Yes, students, yesterday I have discussed with you meaning of election. It is a process through which people elect their representatives by using their voting right. ठीक है, इसके बाद फिर आ जाओ टाइप्स. तीन तरह की टाइप्स होती हैं. नंबर वन जर्नल इलेक्शंस. जर्नल इलेक्शंस होते हैं यूजली 5 ईयर्स के बाद होते हैं. ठीक है, जैसे लोग फॉर एग्जाम्पल, साथ में जरूर बताओ फॉर एग्जाम्पल ताकि आपको क्लियर हो, लोकसभा इलेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट इज मिड टर्म इलेक्शन. मिड टर्म इलेक्शन क्यों होते हैं? वैसे मैंने कहा जैसे 5 ईयर्स है, लेकिन कई बार क्या होता है, लोकसभा अगर पहले डिसॉल्व हो जाती है तो 5 ईयर से पहले जब कंट्री में इलेक्शंस करवाए जाते हैं लोकसभा के, उसको बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन. मिड टर्म का मतलब क्या है? 5 से पहले इलेक्शंस करवाए गए हैं तो उसको बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शंस. और मिड टर्म इलेक्शंस में जो नई लोकसभा बनती है इसकी टर्म अगेन फिर कितनी होगी? 5 ईयर्स. ठीक है, ये तो नई लोकसभा बनी है ना. ठीक है, तो इसकी जो नई टर्म है वो नई शुरुआत होगी, ये इसकी जो टर्म होगी दैट विल बी 5 ईयर्स. ठीक है, देन थर्ड इज बाय इलेक्शन. बाय इलेक्शन का मतलब होता है सपोज कोई पर्टिकुलर एमपी या किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी लीडर की डेथ हो जाती है, किसी एमपी की डेथ हो जाती है, वो बीमार हो जाते हैं, वो अपने ऑफिस में या पोस्ट को नहीं प्रॉपरली देख पाते, तो उनकी जगह में वो रिजाइन कर देते हैं. सपोज अगर डेथ हो जाती है तो सीट वैकेंट हो जाती है, तो फिल द वैकेंट पोस्ट व्हेन इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन पर्टिकुलर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैट इज कॉल्ड बाय इलेक्शन. अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय इलेक्शन? बाय इलेक्शन क्या होते हैं? इफ एनी सीट इज वेकेंट. वेकेंट का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे एमपी की डेथ हो जाती है या रोड एक्सीडेंट हो जाता है, व्हाटएवर, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आती है या मेडिकल प्रॉब्लम आती है, तो वो अपनी सीट प्रॉपर नहीं देख पाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो सीट है वहां पे एमपी की पोस्ट खाली हो जाती है और उस वेकेंट सीट को फिल करने के लिए उसी पर्टिकुलर एरिया में, सिर्फ उसी एरिया में इलेक्शंस करवाए जाते हैं, उसको बोलते हैं बाय इलेक्शन. ठीक है, तो इन आर कंट्री देयर आर यूजली 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन. नंबर वन जर्नल इलेक्शंस. जर्नल इलेक्शंस की टर्म कितनी होती है? 5 ईयर्स. मिड टर्म इलेक्शन का मतलब होता है मिड टर्म इलेक्शंस आर कंडक्टेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म. व्हेन इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन कंट्री बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, दीज आर कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शन. देन बाय इलेक्शन क्या होते हैं? बाय इलेक्शन का मतलब होता है व्हेन इलेक्शंस आर कंडक्टेड टू फिल द पर्टिकुलर वेकेंट पोस्ट, these are called by election. It is clear? Clear hai beta? हाँ जी जतिन, what is the meaning of general election? 5 years. Very good. Okay. Brijesh, midterm election? If Lok Sabha dissolve earlier, if Lok Sabha dissolve earlier before 5 years, then elections are conducted. These are called midterm. Clear? हाँ जी अर्शिता. By election means to fill particular one vacant post. When elections are conducted, these are called by election. ठीक है, तो this was all about types. आगे बच्चे आ जाओ. Why do we need? Importance. Why do we need? हमें elections की importance क्यों है? अब सबसे पहले तो हमें, अगर हमने किसी भी पर्टिकुलर वर्ड की इंपॉर्टेंस पढ़नी है ना, तो हमें पहले वो टाइम हमने थोड़ा आपको पता होना चाहिए जब वो पर्टिकुलर टर्म नहीं होती थी हमारी कंट्री में, तो उस टाइम पीरियड में लोग कैसे सफर करते होंगे या कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होती होगी. हैव यू एनी आइडिया? हाँ जी आशना. द टाइम पीरियड बिफोर यू कैन से 1947 व्हेन वी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, एट दैट टाइम इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड and people were not free to choose their prime minister or leaders. So what was the condition of our countrymen at that time? No constitution, or anybody can be present, discrimination, no right to vote, discrimination between men and women, and religious differences were there. Religious differences say, हाँ जी पॉइंट्स बोलो. हाँ जी दिव्या. देन इलेक्शंस वर नॉट देयर इन आवर कंट्री एट दैट टाइम, व्हिच काइंड ऑफ डिफिकल्टीज पीपल फेस्ड? नो प्रॉपर लॉज, और अगर लॉज थे भी तो दीज वर डिस्क्रिमिनेटरी. हैव यू एनी आइडिया और एनी वन डिस्क्रिमिनेटरी लॉ? व्हाट वाज रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट क्या था? पुलिस, द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव पुलिस अनलिमिटेड पावर्स
दे कैन अरेस्ट एनी लीडर्स विदाउट एनी ट्रायल, बिना केस के उनको अरेस्ट कर लेते थे, जेल भरो आंदोलन, तो लोगों ने क्या किया, फिर जेल भरना शुरू कर दिया, कितने लोगों को वो अरेस्ट करेंगे, लाठीचार्ज हुआ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो ये जो जितने भी एग्जांपल्स हैं, सेडिशन एक्ट, सेंसरशिप लगा दिया, पीपल वर नॉट फ्री टू राइट एनीथिंग इन द बुक्स न्यूज़पेपर्स, तो दीज वर द डिस्क्रिमिनेटरी लॉ एंड पीपल दे फेस एक्सप्लॉयटेशन एट दैट टाइम, मेनी पीपल दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स आल्सो अगेंस्ट दिस सिस्टम। सो दैट वॉज द रिजल्ट ऑफ when elections were not conducted in the country, when any country is governed by different country, ठीक है, अब हम उन्हीं को as a positive लेंगे कि हम कहेंगे कि why we need elections, हमें elections की importance क्यों है, अगर किसी country में elections करवाए जाते हैं तो it means that country is democracy, तो हम कहेंगे no elections, no democracy, जब किसी country में elections ही नहीं होंगे तो वो country democratic हो ही नहीं सकती, तो किसी country में democratic system को strong बनाने के लिए We need elections. Number one, why do we need elections? Number one, आपने बताना है that elections, we need elections for making our country democratic. अगर elections नहीं होंगे तो हमारी country democratic नहीं होगी, और जब elections नहीं है तो हम expect ही नहीं कर सकते हैं कि कोई भी particular ruler जो है या जो भी लोग हैं उनको किसी भी तरह से freedom मिले, तो no democracy, no elections, तो ये ultimately हम बता सकते हैं कि election जो है That is a one feature of democracy. Yes, very good. Election closes the gap between rich and poor. क्या आप सोच सकते हो कि मुगल डायनेस्टी में कभी भी एक कॉमन मैन किंग बन सकता था? मुगल डायनेस्टी स्टार्ट कहां से स्टार्ट हुई? बाबर, हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब के बाद नंबर ऑफ लेटर मुगल्स वर देयर, एंड 1857 में लास्ट मुगल एम्परर कौन थे? बहादुर शाह जफर। क्या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई कॉमन मैन इंडिया का रूलर बना? तो दैट वाज द ड्रॉबैक्स ऑफ मोनार्की सिस्टम। लेकिन अभी आप देखो हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे रूलर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग किया, ठीक है, हाँ जी, तो मैं ये बता रही हूँ कि पुअर फैमिली से बिलोंग किया या फिर उनका किसी भी तरह से रॉयल फैमिली के साथ कोई भी क्लोज कनेक्शन नहीं था, तो एक कॉमन मैन भी रूलर बन सकता है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो जैसा इसने कहा जतिन ने, दैट इलेक्शन क्लोजेज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, कॉमन पीपल दे कैन बिकेम द रूलर, दे कैन बी इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू राइट टू वोट, and they can make the government and they can participate in the making of laws. Any other point? Very good. When we are given election rights, जब आपको election के right मिलते हैं, voting right मिलता है, तो elections जो हैं, वो आपको fundamental rights provide करते हैं। जब किसी country में election हो रहे, इसका मतलब क्या है? लोगों को right मिला है, right to vote. और जब लोगों को right to vote मिलता है, तो लोगों को dignity, लोगों की self respect. एक कॉमन पर्सन को जब वोटिंग के लिए कि वो जाता है ना, तो एक ही लाइन में खड़ा होना पड़ता है, रिच भी वहीं पे खड़े होते हैं, पुअर भी वहीं पे खड़े होते हैं, तो शायद उस पर्टिकुलर एक दिन के लिए रिच पुअर मैन वुमेन के बीच में जो भी गैप होता है वो खत्म हो जाता है, इक्वालिटी आ जाती है, क्योंकि राइट टू वोट हर पर्सन को मिला, दैट इज गिवन बाय द लॉ, ठीक है। देन नेक्स्ट इज वोटर्स आर गिवन चॉइस। ये जब आप 18 इयर्स के हो जाओगे, जब आप जाओगे ना इलेक्शंस के लिए, जब आपको खुद अपनी इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि आपके सामने ईवीएम है और इस ईवीएम में नंबर ऑफ लीडर्स आर देयर एंड नंबर ऑफ सिंबल्स आर देयर, देन योर चॉइस विल काउंट। आपने उसके लीडर के सामने जिस बटन पे आप प्रेस करोगे तो वो आपका वोट काउंट होगा, और एक वोट की वैल्यू आपको पता लगे कि हमारे वोट की वैल्यू क्या होती है, तो दैट इज योर वोटिंग राइट। जब आपको वोटिंग राइट मिलेगा आपको भी पता लगेगा कि हम भी सोसाइटी में कहीं एग्जिस्ट करते हैं और शायद हमारा वोट गिना जाएगा, और उस वोट को गिनने के बाद शायद कोई भी रूलर जो है वो जीतेगा, और अगर वो जीतेगा तो आपको भी प्राउड होगा कि हाँ जी हमने इनको इलेक्ट किया। और जब आप किसी वोट रूलर जो रिप्रेजेंटेटिव है, लीडर है, उसको इलेक्ट करते हो, तो इलेक्ट करने के बाद आप 5 साल के लिए आप अलर्ट रहोगे, विजिलेंट रहोगे कि मैंने इसको इलेक्ट किया है, मैं देखूं कि ये उसके लायक है भी या नहीं, फिर आप उसका वर्क इवैल्यूएट करोगे, और अगर आपको लगेगा कि वो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, देन यू कैन चेंज। व्हेन यू कैन चेंज? आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल के लिए तो आपने चुन लिया, इसलिए कहते हैं ना कि ध्यान से चुनो, ऐसे नहीं किसी को चुन लेना। अब इसके लिए क्या होता है कि लोगों को कई बार क्या होता है, करप्शन भी होती है, ब्राइबरी भी दी जाती है,
तो उस टाइम पीरियड में आपका ब्रेन काम करता है कि आपको कौन सा लीडर चुनना है। उसके लिए पहले उसको इंट्रोस्पेक्ट करो, उसके बारे में जानो। ये ना हो कि ईवीएम जिस दिन है आपके सामने, आपको पता नहीं लीडर का नाम क्या है, आपने पार्टी का सिंबल देके वोट कर दी, तो आपका वोट जो है दैट मेक डिफरेंस। ऐसे बच्चे एक ना मैं आपको टेलीविजन पे एड, जिस टाइम इलेक्शंस होते हैं ना तब ये टेलीविजन एड बहुत दिखाई जाती है। इसमें क्या दिखाया जाता है कि एक पर्सन है उसका इंटरव्यू होता है और दूसरी कंट्री में जाने के लिए जब वो वीजा अप्लाई करते हैं तो वहां से उनको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑन दैट डे यू वॉन्ट टू कम हियर बिकॉज एट दैट टाइम इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन योर कंट्री। तो पर्सन का जवाब क्या होता है कि मैं तो बाहर आ रहा हूँ, डजंट मेक एनी डिफरेंस, कि मैं तो छोड़ रहा हूँ ना अपनी कंट्री, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस कि मैं तो जा रहा हूँ। तो वहां से उनको आंसर आता है कि इफ अगर आपको अपनी कंट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप हमारी कंट्री में आकर हमारी कंट्री के साथ कनेक्शन बना पाओ। तो आप उधर रहो, नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई करना, आपका वीजा क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो। तो ये जस्ट एक उस टाइम पीरियड में इलेक्शंस के टाइम पीरियड में एडवर्टाइजमेंट बहुत पॉपुलर हुई थी कि जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि वोटिंग डे वाले दिन लोग सोचते हैं कि हॉलीडे है, हम एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप उस दिन आप नहीं अपना वोट यूज करोगे तो बाद में आपने ब्लेम नहीं करना कि गवर्नमेंट क्या कर रही, क्योंकि फिर अपना राइट जो है वो खो चुके हो। जब आपको राइट मिला था आपने उसको यूज नहीं किया तो बाद में आप क्यों कह रहे हो कि हाँ जी गवर्नमेंट क्या कर रही। तो ये है सारी इलेक्शंस की इम्पोर्टेंस। देन मेजर डिसीजंस, इलेक्शंस इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जब हम वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं तो दीज रिप्रेजेंटेटिव्स दे टेक मेजर डिसीजन रिगार्डिंग द कंट्री, और इसीलिए उन रिप्रेजेंटेटिव्स को वाइजली इलेक्ट करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके रिप्रेजेंटेटिव लिटरेट है या इलिटरेट। अगर आप जाकर किसी इलिटरेट को वोट कर रहे हो तो आपको खुद लगेगा कि हाँ जी आगे जाकर हमारे लिए लॉज क्या बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज पीपल कैन चेंज द रिप्रेजेंटेटिव्स इन द नेक्स्ट इलेक्शंस थ्रू इलेक्शन थ्रू वोटिंग राइट्स। अगर आपको लगता है कि जो लोग हैं लीडर्स हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहे हैं तो यू कैन चेंज। नेक्स्ट है इलेक्शन हमारी कंट्री में हमें क्या एक आइडिया देते हैं, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। हमारी कंट्री में हमारे वोट की वैल्यू इक्वल है जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट यूनिटी हमारी डिग्निटी को स्ट्रॉन्ग करती है। इलेक्शंस गिव्स अस द राइट ऑफ वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट, और ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को इंक्रीज करता है। इसका मतलब है इलेक्शंस हमारी कंट्री में हमारी यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ब्रदरहुड को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इलेक्शंस गिव्स अस वन पर्सन वन वैल्यू वन राइट, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये एक प्रॉपर एक इक्वेशन है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। और अगर ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री में लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री यानी कि आपको वोटिंग के लिए कोई मनी नहीं देनी पड़ती। फेयर का मतलब होता है फेयर रिजल्ट, जिसको आपने चुना है वही जीतेगा, ठीक है। फ्री एंड फेयर रिजल्ट, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बताना है, आपने ये नहीं बताना कि क्या एग्जैक्ट हो रहा है, वो हम बाद में बताएंगे विच आर द प्रॉब्लम्स। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है, दैट इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड फ्री एंड फेयर। फ्री एंड फेयर होंगे तो ही रूलर्स को जो है वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो है वो इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अब आ जाओ हमारा हमारी कंट्री के फीचर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है वो हमने बताना। विच आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इलेक्शन इन आर कंट्री। इलेक्टोरल सिस्टम, फीचर्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम, या इसको हम इलेक्टोरल सिस्टम भी कहा कह सकते हैं। हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें इलेक्शंस के रिगार्डिंग क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं हमने वो बताना है। हाँ जी, सबसे पहले नंबर वन रेगुलर इलेक्शंस। इन आर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 years। टर्म आप लिखोगे 5 years। बेसिकली हमारी कंट्री में जितनी भी इलेक्शंस हैं उनकी टर्म जो है दैट इज 5 रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है लाइक प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन या लोकसभा के इलेक्शन रेगुलर 5 years के बाद करवाते हैं। वो अलग बात है कि अगर लोकसभा पहले डिसॉल्व होती है तो मिड टर्म इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं, ठीक है। नंबर वन रेगुलर इलेक्शंस।
अब हेडिंग लिखने के बाद इनको अपने आप एक्सप्लेन करो कि रेगुलर इलेक्शंस का मतलब क्या होता है. दैट इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया आफ्टर एवरी 5 years. द टर्म मे बी 5 मतलब क्या होता है. प्रेसिडेंट की हमारी कंट्री में टर्म 5 years है, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर की 5 year है. लोकसभा MP, MLA, CM, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज हैं हमारी कंट्री में मोस्टली इनकी टर्म जो है दैट इज 5 years. सेकेंड, हमारी कंट्री में कौन सी डेमोक्रेसी है. इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव. अब इसका मतलब समझो. इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है. इनमें से कोई भी हेडिंग 1 mark के अकॉर्डिंग भी आपको आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है. और इनडायरेक्ट मतलब इन विच पीपल दे कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मेक लॉज. उसके लिए आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कौन सी होती है. पहले ये समझो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या है. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. लिसन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी सिस्टम तब फेमस था जब कंट्री में या एरियाज में पॉपुलेशन बहुत कम होती. तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग, ठीक है. दिस वर्ड इज एसोसिएटेड विद द लॉ मेकिंग. डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जब लोग मिलकर आपस में अपनी कंट्री के लिए लॉ बनाते थे. डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है. द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन विच पीपल दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग सिस्टम. स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में ही ऐसा पॉसिबल था. वहां पे छोटे छोटे एरियाज थे और उन एरियाज में लोग मिलकर अपने लिए लॉज बनाते थे, तो उस सिस्टम को क्या बोलते थे. डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में था ही, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है. अब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो हम कभी सोच नहीं सकते कि लोग मिलकर अपने लिए लॉ बनाए. तो अब जो सिस्टम है दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं. इसका मतलब क्या है. इन दिस फॉर्म पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव मेक लॉज. तो इस रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हो गया MP और MLAs हमारे क्या है. रिप्रेजेंटेटिव, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे चुन के भेजा है, वो हमारे लिए लॉज बनाएंगे. इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. दैट इज द सेकेंड फीचर ऑफ आर इलेक्शन सिस्टम. अगेन आई एम रिपीटिंग, what is the meaning of indirect or representative democracy. In this type of system people they indirectly participate. Indirectly ka matlab kya hota hai. People they elect their representatives and these representatives make laws for the people. Logon ke liye laws banate hain and they can change these MPs and MLAs. Wo unko change bhi kar sakte hain agar 5 years ke baad unko lagta hai ki they were not eligible. So this is known as indirect or representative democracy. Same hai. Indirect or representative same hi. Indirect ka matlab hota hai ki log jo hai wo directly participate nahi karte. Indirect participate kaise karte hain. They elect their representatives and these representatives further make laws for the people. Direct mein kya hota tha, wo khud apne liye laws banate the. Suppose main listen. सपोज मैं आपकी क्लास में आपको बोलूं कि हाँ जी बेटा हम अपनी क्लास के लॉज बनाएंगे, आप खुद बनाओ, ठीक है. तो मुझे लगता है कि आपस में आप इतना उलझोगे, आपस में डिस्कशन करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आ पाएगा. बेटर है कि वन गर्ल एंड वन बॉय विल कम. आप उनको करोगे चूज कि हाँ जी ये है हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से है. दोनों आपस में मैं टीचर के साथ मिलकर जो है कुछ रूल्स बनाएंगे और आपको बता दिया जाएगा, ठीक है. और अगर आपको लगता है कि हाँ जी जो रूल्स बने हैं दीज रूल्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू अस, then you can change your representative. आप अपनी demands आगे रख सकते हो. तो इस तरह से हमारी country की government जो है वो चलती है. हाँ वो भी आ सकता है. Indirectly by electing, ये जरूर बताना है, by electing their leaders, by electing their representatives. And these representatives make law for the people. ये बताओ जी, ठीक है. हाँ जी, next है
थर्ड फीचर इज सीक्रेट बैलेट. सीक्रेट बैलेट. अब ये वर्ड बच्चे देखो, बैलेट क्या होता था आज के टाइम पीरियड में? तो बेटा ईवीएम्स है. ईवीएम्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स. लेकिन जब बेटे ईवीएम नहीं ना होती थी तब बैलेट बॉक्स होते थे. यानी कि जब हमारी कंट्री में, हाँ, जब हमारी कंट्री में कंप्यूटराइज कैलकुलेशन नहीं होती थी, एट दैट टाइम बैलेट बॉक्सेस वर देयर एंड ड्यूरिंग इलेक्शंस दीज बैलेट बॉक्सेस वर प्रिपेयर्ड एंड व्हेन वोटर्स कम फॉर इलेक्शंस दे वर गिवन अ पेपर. दैट पेपर वॉज नेम्ड एज बैलेट पेपर. उसको बैलेट पेपर बोलते थे. एंड ऑन दैट बैलेट पेपर ऑन वन साइड द नेम ऑफ लीडर्स वॉज रिटन एंड ऑन द नेक्स्ट साइड सिंबल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वर प्रिंटेड. जब लोग आते थे वहां पे वोटिंग करने के लिए, दे जस्ट पुट द स्टैम्प. स्टैम्प होती थी और उस स्टैम्प को उस लीडर के सामने या पार्टी का जो सिंबल था उसके सामने स्टैम्प लगा दी जाती. एंड उसके बाद दैट बैलेट पेपर वॉज फोल्डेड एंड बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता था. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती थी उसमें? अब कुछ इलिटरेट लोग भी होते थे, उनको स्टैंप लगानी नहीं आती थी. वो कई बार क्या करते थे, दो लीडर्स के बीच में नेम स्टैंप लगा दी या सिंबल के बीच में स्टैंप लगा दी, तो कई बार ऐसे वोट्स इनवैलिड हो जाते थे. या उन्होंने पेपर फोल्ड नहीं किया. फोल्ड का मतलब होता है जो रिजल्ट है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करो. कुछ लोग उसको बाहर की तरफ फोल्ड कर देते और वो भी इनवैलिड हो जाता था. और ऐसे में बहुत से वोट क्या हो जाते थे, वेस्ट हो जाते थे. आंसर को अंदर की तरफ फोल्ड करो ना, बाहर की तरफ फोल्ड. तो जस्ट एक तरह से हम कहते हैं कि एक मेथड उनको फॉलो करना पड़ता था बैलेट बॉक्स में डालने के लिए. ठीक है, एंड कई बार बैलेट बॉक्स में डालते डालते कुछ पेपर फट भी जाता था. फटा हुआ पेपर जो वो भी इनवैलिड हो जाता था. एंड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती थी, उनको काउंट करने की. तो दिस वॉज अ मेजर, यू कैन से, टाइम कंज्यूमिंग. और इसी सिस्टम को दूर करने के लिए ईवीएम्स जो है वो स्टार्ट की गई है. लेकिन इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, सीक्रेट बैलेट. हाँ जी सौम्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्रेट बैलेट? क्या था सीक्रेट बैलेट? लिखा कुछ नहीं बच्चे, ऐसे ही बताओ सीक्रेट बैलेट क्या है. ओनली यू नो टू होम यू आर वोटिंग. आपको पता है कि आप किसको वोट कर रहे हो. ठीक है, सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है, पीपल दे वर गिवन पेपर एंड ऑन दैट पेपर दे हैव टू पुट अ स्टैम्प. लेकिन अब क्या सिस्टम चेंज हो गया है, अब ईवीएम है. ईवीएम्स में क्या होता है, एक तरफ लीडर्स के नाम होते हैं, एक तरफ पार्टी का सिंबल होता है. और इसमें क्या होता है, जस्ट एक बटन प्रेस करना पड़ता है और बीप का जो है वो आवाज आते ही आपका वोट काउंट हो जाता है. इवन अगर आप वोटिंग करने के लिए आए हो और आप किसी भी लीडर को वोट नहीं देना चाहते हो तो वहां पे नोटा भी होता है, नॉट इंटरेस्टेड. आप वो बटन भी प्रेस कर सकते हो. इट मीन्स आप वोटिंग करने के लिए आए हो लेकिन आपको उन पार्टीज में से किसी भी सिंबल या किसी भी पर्टिकुलर लीडर को इलेक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि आपको कोई भी कैपेबल नहीं लगता, तो आप नोटा भी प्रेस कर सकते हो. ठीक है, इट मीन्स आप वोटिंग कर, आपका वोट काउंट होगा. वो अलग बात है कि आपने किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दी. सीक्रेट बैलेट क्यों कहते हैं? सीक्रेट का मतलब है कि जब आप वोटिंग करने के लिए जाओगे ओनली यू नो टू होम यू आर वोटिंग. क्लियर? इट इज क्लियर टू यू? वो जस्ट ये है कि आपने ये गवर्नमेंट को ये शो किया कि हमें किसी भी पर्टिकुलर लीडर या पॉलिटिकल पार्टी पे ट्रस्ट नहीं, जस्ट अपना हाँ एग्रेशन शो करने के लिए, है ना. तो सीक्रेट बैलेट आपको टर्म क्लियर होनी चाहिए कि सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है. ओनली यू नो टू होम यू आर वोटिंग. हमारी कंट्री में ये भी इलेक्शन का एक फीचर है. नेक्स्ट आ जाओ, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी. सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने बताया था इलेक्टोरल एरिया. यानी कि हमारी कंट्री में एक इलेक्टोरल एरिया में चाहे 25 चाहे 30 चाहे 35 रिप्रेजेंटेटिव्स हो, उनमें से एक ही पर्सन विनर होगा. पूरे जलंधर में अगर एक एमपी है तो पूरे जलंधर में से एक ही एमपी होगा. सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है, इलेक्शन का नेक्स्ट फीचर क्या है, इन इलेक्टोरल एरिया ओनली वन मेंबर. वन मेंबर का मतलब है जिसकी सबसे हाईएस्ट वोट होंगी. Who win with the highest number of votes can become the member of that particular constituency. अब MP के elections के लिए पूरे जलंधर को एक एक constituency बनाते हैं. और जलंधर में कितने ही लोग जो है वो MP के लिए contest करते हैं?
ठीक है, और उनमें से कोई एक ही पर्सन एमपी बनेगा, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट आ जाओ ज्वाइंट इलेक्ट, आवाज नहीं आई, ज्वाइंट इलेक्टोरेट। नेक्स्ट इज ज्वाइंट इलेक्टोरेट, ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब होता है, इलेक्टोरेट का मतलब होता है इलेक्ट करने का सिस्टम, ज्वाइंटली का मतलब होता है दैट ऑल द रिलीजियंस विल बी कंसीडर्ड इक्वल। आपको पता है इंडिपेंडेंस से पहले हमारी कंट्री में कुछ मुस्लिम लोगों ने ये जो है वो डिमांड रखी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, कि मुस्लिम्स के लिए अलग हो जहाँ पे सारे मुस्लिम मुस्लिम्स को ही वोट दें और मुस्लिम्स ही जीतें। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि डिस्प्यूट्स हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में काफी डिस्प्यूट्स हुए कि इस तरह से हमारी कंट्री जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो लेकिन इस सिस्टम को खत्म कर दिया हमारी कंट्री में, अब ऐसा कोई भी सिस्टम आवाज नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, इन विच इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम ऑल द पीपल दे आर फ्री टू कास्ट देयर वोट, दे आर फ्री टू गिव देयर वोट टू एनी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट कलर एंड रिलीजन। अगेन आई एम रिपीटिंग, ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम पीपल आर फ्री टू कास्ट देयर वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट रिलीजन एंड कलर। ज्वाइंट इलेक्टोरेट, जगनूर स्टैंड अप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्रेट बैलेट, अंडरस्टैंड अप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्रेट बैलेट। ओके आरुष, हां जी कीप ए माइक ऑन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्वाइंट इलेक्टोरेट। यस, ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मीनिंग क्या है बेटा, यस आरुष, हाँ जी प्रतीक्षा, इट मीन्स दैट ऑल द रिलीजियंस आर इक्वल एंड ऑल द पीपल आर have the same voting right, they elect their representative at the same place. Yes, all the voters irrespective of any caste, color and gender, they can elect only one representative, that is called joint electorate. Very good, you will keep standing. Haan ji, नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट, नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव टू बी फॉलोड बाय लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शंस के टाइम पीरियड में इलेक्शन कमीशन जो कि हमारी कंट्री में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। इसको कोड ऑफ कंडक्ट मीन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स दे कंटेस्ट इलेक्शंस। फॉर एग्जांपल एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है कि इलेक्शंस के टाइम में कोई भी लीडर जो है वो रिलीजियस सिंबल्स या रिलीजियस प्लेसेस जो है वहां पे इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं करेंगे, और अगर कोई ऐसा करता है तो दैट इज अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट। सेकंड थिंग क्या होती है, हाँ सेकंड थिंग बजट, जितनी मनी गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट होती है अगर उससे ज्यादा इलेक्शंस में जो है वो खर्च किया जाएगा, जीतने के बाद उनको सारा एक्सपेंडिचर शो करना पड़ता है, अगर उससे ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली जो है दैट विल बी चेक बाय द इलेक्शन कमीशन अकॉर्डिंग टू विच पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स कंटेस्ट इलेक्शंस। क्लियर,